तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि उस भूल को भूल जाना कि जो यहाँ पर भूल हुई हो, और आनंद से भगवान के गुणगान गाना और ऐसी मनोकामना करना कि ऐसा कार्यक्रम हम हर वर्ष करते रहे, ऐसा कार्यक्रम हम हर वर्ष करते रहे। और आज तो 151 है आचार्य श्री, अगली बार हम 216 जोड़ा बैठाएंगे। आज 151 है, अगली साल हमारे 216 बाबा और माई यहाँ पर भाग लेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है पीछे एक दो माई खड़ी हैं, उनको बड़ा कष्ट हो रहा है कि शायद हम भी पांडाल में होते और हम भी भगवान शंकर को जल चढ़ाते। लेकिन माइयों चिंता न करें, फिर श्रावण आएगा और फिर आप और हम सब मिलकर के भगवान आशुतोष का पूजन करेंगे। यहाँ पर जिन्होंने भी सेवा दी उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। और साथ ही आचार्य श्री आपका तो धन्यवाद करने के लिए मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आपके जब से चरण इस धाम में पड़े हैं तब से इस धाम की दिव्य दृष्टि लग गई। जब से आपके चरण रज यहाँ पर पड़े हैं तब से हमारे इन सभी गांवों का उद्धार हो गया और हमारे इस धाम में भी चार चांद लग गए। ये आपकी कृपा, ये आपकी कृपा का एकमात्र फल है कि आज हमारा संपूर्ण समाज भगवान की सेवा में उपस्थित है। साथ ही साथ एक बात याद आ गई, मैं आपने कार्यक्रम किया लेकिन मैं एक दक्षिणा मांगना चाहता हूँ। ऐसा मैं मांगूंगा नहीं, लेकिन एक दक्षिणा मांगना चाहता हूँ। हाथ उठाओ कौन कौन देना चाहता है, हाथ उठाओ कौन कौन देना चाहता, पीछे से नहीं उठा रहे, सभी लोग हाथ उठाओ। जो ये दक्षिणा देना चाहता है वो हाथ उठाओ, और हाथ उठा लिए तो ये कहो कि आज के बाद में हम मदिरा और मांस का सेवन नहीं करेंगे। यदि कोई करता हो तो मुझे ये दक्षिणा यहीं पर दे करके चले जाए। यदि कोई मांस और मदिरा यानी शराब का भक्षण और पान करता हो तो मुझे वो दक्षिणा में यहीं पर दे करके चले जाए। और जैसे ही इस पांडाल से बाहर कदम रखे तो सौगंध हनुमान जी महाराज की कि आज के बाद में हम शराब और मांस को हाथ भी नहीं लगाएंगे, तो मेरा विश्वास मानना ये कार्यक्रम का जो फल है वो संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जोर से जयकारा लगाएंगे कि भगवान शंकर की नगरी में भी आवाज जाए कि आज फूटा जोड़ा धाम में उनके शिष्य समाज ने और बालाजी महाराज के भक्तों ने मिलकर के इतना दिव्य आयोजन किया है। बोले श्री हनुमान।